कुछ कह रहा है वो आपको सुनाते हैं। बहुत नजदीक का रिश्ता है योगीराज बाबा, योगीराज राजा भतरी जी ने अपनी साधना करके सिद्धि प्राप्त करके ये मान्यता है इस क्षेत्र में वे आज भी किसी न किसी रूप में अपना दर्शन देते हैं और इसीलिए राजा भर्तृहरि जी के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास का भाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है वह केवल वैसे ही नहीं हमारी विरासत का प्रतीक है। हमारी परंपरा ने इस विरासत को सम्मान दिया। भाइयों बहनों, राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है वहीं राजस्थान के इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नहीं छोड़ा है। इसमें हमें आश्चर्य होता है कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। याद करिए, देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो पीड़ा उठाया था वे उसमें सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी, धारा 370 की एक समस्या जिसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी है। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, लेकिन यह समस्या की देन है कांग्रेस। याद करिए, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका है। डबल इंजन की सरकार यही है, जो समस्या है उसका समाधान करने का नाम ही डबल इंजन है। भाइयों बहनों, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां सुरक्षा है, वहां समृद्धि है, वहां पर विकास है, वहां पे बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हर तबके को ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं बिना भेदभाव के। याद करिए, 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार व्यक्ति जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप कार्य करी थी। याद करिए, मोदी जी ने बात कही और उसके अनुरूप उन्होंने योजनाएं बनाई। याद करिए, उन्होंने जो कहा सो करके दिखा दिया।
योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने की बात रही हो, गरीबों के लिए आवास देने की बात हो, हर घर में शौचालय देने की बात हो, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का कार्य हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, नौजवानों के लिए रोजगार का की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हो, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, हमने पौने तीन करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य में प्रभावी ढंग से हम लागू कर रहे हैं योजना को। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां की युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आगे राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं, एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता दे है, सर्वदेव मही ही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उसको माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम।
तो राजस्थान के रण में योगी आदित्यनाथ अभी आप सुन रहे थे जो कि अपना संबोधन दे रहे थे। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले दिया कुमारी ने रैली निकाल करके शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान दिया कुमारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। विद्याधर नगर से बीजेपी से दिया कुमारी ने नामांकन कर दिया। मैडम क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है विद्याधर नगर के लिए, क्या वादे कर रही हैं आप इसके लिए? मेरी प्रायोरिटीज, मेरे दोनों पहले जो मैं यहाँ से एमएलए थी सवाई माधोपुर और राजसमंद से एमपी, वहाँ भी प्रायोरिटी डेवलपमेंट थी और यहाँ भी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, रोजगार, यही मेरी प्रायोरिटीज रहेगी। आपने अग्नि परीक्षा की बात की, क्या कारण है अग्नि परीक्षा का, क्यों आपने? मैंने ये कहा कि मैं पहली बार जयपुर, मैं जयपुर की बेटी हूँ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर से अवसर दिया है, मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है विद्याधर नगर से। और इससे पहले मुझे राजसमंद जो कि मेवाड़ और मारवाड़ का हिस्सा है, और उससे पहले भरतपुर संभाग जो सवाई माधोपुर है वहाँ से मुझे अवसर मिला और वहाँ से बहुत अच्छी जीत भी मुझे हासिल हुई, और इस बार जयपुर से हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहीं भी किसी को लड़ा भी सकती है और जिता भी सकती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत करते हैं कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता की मेहनत से उनके दम पर हम लोग हर चुनाव जीतते हैं। क्या कारण लगता है कि कांग्रेस अब तक आपके सामने कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई है? ये आप उनको पूछिए क्या रीजन रहा है कि वो नहीं ढूंढ पाई। दिया कुमारी जिनका साथ मिला था कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट है और विद्याधर नगर में विकास कार्य जो है वो करवाएंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, महंत प्रतापपुरी ने भरा नामांकन। भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी महाराज पहुंचे एसडीएम कोर्ट। आपको बता दें कि महंत प्रतापपुरी महाराज ने नामांकन दाखिल किया है और अपने समर्थकों के साथ नामांकन रिटर्निंग अधिकारी को भी यहां पर पेश किया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जिसमें देखिए पोखरण से ये तस्वीर जिसमें महंत प्रतापपुरी ने नामांकन भरा है, बीजेपी प्रत्याशी है और नामांकन भरने के लिए वो पहुंचे। पोखरण से बीजेपी प्रत्याशी प्रतापपुरी है और वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 4 नवंबर को नामांकन राठौड़ भरेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ 4 नवंबर को नामांकन भरने वाले हैं और नामांकन में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी है राज्यवर्धन राठौड़। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, 4 नवंबर को देखिए राठौड़ यहां पर नामांकन भरेंगे और जेपी नड्डा भी नामांकन की जो प्रक्रिया होगी उसमें शामिल होंगे। तो राज्यवर्धन राठौड़ 4 नवंबर को नामांकन भरेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए नामांकन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। तो झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। राठौड़ 4 नवंबर को नामांकन भरेंगे और उनके नामांकन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। तो अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध हुआ है। आपको बता दें कि अजमेर दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध देखने को मिला है। हेमंत भाटी के समर्थकों का यह प्रदर्शन हुआ है और समर्थकों ने टिकट बदलने की यहां पर मांग रखी है। जीसीए के बाहर टायर जला करके प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस ने द्रौपदी कोहली को देखिए इस बार टिकट दिया है, उसी को लेकर के ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी का देखिए ये विरोध देखने को मिला है। द्रौपदी कोहली के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जो समर्थक है वो नजर आए।
चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के बगावती तेवर जारी है। इस दौरान एक जनसम्मेलन आयोजित कर विधायक ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दी है। दरअसल बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ सीट से नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही चंद्रभान सिंह नाराज चल रहे हैं। चंद्रभान ने राजवी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की वजह से उनकी पहचान है, लेकिन स्वयं ने अब तक जनता के बीच कोई पहचान नहीं बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रभान सिंह को जनता का साथ है। आक्या के समर्थक लगातार शीर्ष नेतृत्व से टिकट पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। न जीत का घमंड कोई, न हार की फिक्र है, अंग्रेज़ दो आरंभ है, प्रचंड है चित्तौड़ तुम्हारे, चंद्र के समान हो आम जन के तुम तो शक्तिमान हो। तो कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनुसूचित जाति आयोग का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। टिकट कटने से नाराज है खिलाड़ी लाल बैरवा। आपको बता दें कि बसेड़ी से टिकट ना मिलने से नाराजगी देखने को मिली है। आप सचिन पायलट गुट के समर्थित नेताओं में जाने जाते थे, क्या उसका भी एक खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? वो हो सकता है, लेकिन समर्थकों ने औरों को भी कहीं दिया है, लेकिन वो हमारा तो यही दोष है ना कि मैं सत्य बोल को सत्य बोलता हूँ, इस बात का कहना होगा। अब आगे तक बात पहुँचाएंगे अलगावन तक? 100% पहुँचाएंगे। बागी के तौर पे लड़ने के विचार तो नहीं? ये कार्यकर्ताओं से बात चल रही है, इसके बाद तय करेंगे। तो जयपुर के सचिवालय स्थित लाइब्रेरी भवन की चौथी मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक आग लगने से लाखों रुपए के इक्विपमेंट और फर्नीचर जल करके राख हो गए। आग का कारण भवन में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। दरअसल जिस कमरे में आग लगी है वहां से सरकार की सोशल मीडिया टीम काम करती है, जिसे सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा लीड करते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की मांग की है। राजस्थान के शासन सचिवालय में आग लग गई और आग वहां पर लगी जहां मुख्यमंत्री का स्टाफ बैठता है, मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम चलाने वाले लोग बैठे हैं। राजस्थान पिछले 6-8 महीनों से जानता है कि राजस्थान में एक कंपनी डिजाइन बॉक्स, जिसको राजस्थान से लूटा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, अपनी छवि को चमकाने के लिए, जो छवि राजस्थान में खराब हो चुकी है उसको चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ओर से पैसा दिया गया है। ये जो राजस्थान में 25 नवंबर को सरकार बदलने वाली है, तो उससे पहले सबूत मिटाने की जो साजिश चल रही है उसी के तहत ये आग लगाई गई है। हमारा स्पष्ट आरोप है ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। राजस्थान के चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पहुंचकर सबूत जुटाने चाहिए और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके भरोसे ना छोड़कर बल्कि चुनाव आयोग को खुद के स्तर पर इसके मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। संभावित चुनावी हार जो कि 25 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी, पता लगेगा कि जो लूट राजस्थान से की है उसका हिसाब निकल के आने वाला है, उस हिसाब को और भ्रष्टाचार के सबूत को मिटाने के लिए यह आग लगाई गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आलोक बेनीवाल के समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। पीसीसी कार्यालय पहुंचे आलोक बेनीवाल के समर्थक, पीसीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आलोक बेनीवाल को टिकट देने की यहां पर मांग की जा रही है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आलोक बेनीवाल के समर्थकों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। पीसीसी कार्यालय आलोक बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो आलोक बेनीवाल को टिकट देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के जो समर्थक है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीसीसी कार्यालय देखिए आलोक बेनीवाल के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीसीसी कार्यालय के बाहर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए आलोक बेनीवाल को टिकट देने की मांग इन समर्थकों के द्वारा की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पीसीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर आलोक बेनीवाल को टिकट देने की मांग की जा रही है।
तो पीसीसी कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। आलोक बेनीवाल को टिकट देने की मांग की जा रही है और उसके उपलक्ष्य में देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पीसीसी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो आलोक बेनीवाल के जो समर्थक है देखिए अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पीसीसी कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर के जम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर भी देखिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और आलोक बेनीवाल को टिकट देने की यहाँ पर मांग की जा रही है और बड़ी संख्या में आलोक बेनीवाल के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरा लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरा लाल, देखिए आलोक बेनीवाल के जो समर्थक है वो पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट देने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल है जो निर्दलीय के तौर पर पिछली बार यहाँ से चुनाव जीते थे और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मनीष यादव, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको हराकर इन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था और लगातार कांग्रेस को समर्थन देते हुए उनकी जब सरकार पे संकट आया था तब इन्होंने कांग्रेस सरकार के पक्ष में खड़े रहे थे और गहलोत के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार इनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो सूत्र मिल रहे हैं, जो इनपुट मिल रहा है, उसमें मनीष यादव टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और लगभग लगभग उनका नाम भी तय माना जा रहा है। इससे जब ये इनपुट समर्थकों में पहुंचा तो आलोक बेनीवाल के समर्थकों में है जो नाराजगी व्याप्त हो गई, वो बड़ी संख्या में आलोक बेनीवाल के मालवीय नगर स्थित जो आवास है वहां पहुंचे थे। उसके बाद वो वहां से एकत्रित होकर पीसीसी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस और जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है उनके खिलाफ बिल्कुल हीरा लाल हम नजर भी बना करके रखे हुए हैं क्योंकि तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस की चौथे लिस्ट जारी होने के साथ ही टिकट रेस से बाहर हुए प्रत्याशियों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बाड़मेर से टिकट दावेदार कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान को टिकट न मिलने पर समर्थकों ने शहर के सिरधड़ी चौराहे पर जमकर के नारेबाजी की है। इस दौरान शिव से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ फतेह खान ने जरूरत पड़ने पर चुनाव मैदान में उतरने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने पार्टी पर गलत टिकट वितरण का भी आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि शिव से कांग्रेस ने विधायक अमीन खान को प्रत्याशी बनाया है। धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस के बाड़ी एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट कटने की चर्चा अब हो रही है। मलिंगा के समर्थक व राजपूत समाज के युवा एकत्रित हुए हैं। ओंडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास पर यहां पर एकत्रित होते हुए दिखे हैं। तो चर्चा के बाद देखिए समर्थकों में अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर एमएलए गिरिराज मलिंगा के टिकट कटने की अब चर्चा हो रही है और उसी को लेकर के चर्चा के बाद जो समर्थक है उनमें अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो राजपूत छात्रावास के बाहर देखिए समर्थक यहां पर जमा हो गए हैं और ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर, चर्चा के बाद समर्थकों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरिवीर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, गिरिराज मलिंगा का टिकट कटेगा या नहीं इसको लेकर के देखिए अब जो समर्थक है वो पहले से ही यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो गिरिराज सिंह मलिंगा है वो तीन बार विधायक रहे हैं, एक बार वो बसपा से विधायक रहे थे और दो बार कांग्रेस से विधायक रहे थे। उसके बावजूद भी मलिंगा की टिकट कटने की चर्चाएं लगातार जारी है, लोग कह रहे हैं कि टिकट कट रहा है। इसको लेकर के उनके समर्थक और राजपूत समाज के जो युवा है वो राजपूत छात्रावास ओडेला रोड पर इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और वहां पर अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस मुर्दाबाद और पूर्व वित्त मंत्री जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है प्रदुम सिंह उसके भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा हैं उनके भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए हैं और मलिंगा जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो समर्थक है उनमें आक्रोश देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और आलाकमान के खिलाफ। जो गहलोत हैं और जो राजाखेड़ा से विधायक प्रदुम सिंह और उनके पिता हैं जो रोहित बोरा और उनके पिता प्रदुम सिंह उनके खिलाफ कड़ी मतलब बहुत जबरदस्त यहां पर विरोध देखा जा रहा है। जी बिल्कुल हरिवीर, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं और अब इनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक